कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आठवां दिन भारतीय पहलवानों के नाम रहा। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं अंशु मलिक समेत अन्य तीन भारतीय रेसलर्स भी पदक जीतने में कामयाब रहे। उधर टेबल टेनिस और लॉन बॉल से भी भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के चलते गेम्स के आठवें दिन 5 अगस्त को भारत ने 6 मेडल अपने नाम किए जो रेसलिंग में आए। इस दौरान भारतीय रेसलर्स ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सबसे पहले अंशु मलिक ने वुमेन्स 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। फाइनल में अंशु सामना नाइजीरिया की ओडुनायो फोलासाडे से था, लेकिन अंशु को 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में ओडुनायो का ये लगातार 3रा गोल्ड मेडल रहा है। हार के बाद अंशु काफी निराश दिखाई दिए।